उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच के मिहीपुरवा में महिलाओं की अनूठी पहल देखने को मिली है। यहाँ आत्मनिर्भर हेतु युवतियों ने समर कैंप का आयोजन किया है। जी हाँ, देश के विकास के लिए लोगों को आत्मनिर्भर बनाना अत्यंत आवश्यक है। देश के प्रधानमंत्री भी लोगों से आत्मनिर्भर बनने की अपील कर चुके हैं। इसी कड़ी में बहराइच जनपद के कतरनिया जंगल से सटे मिहीपुरवा इलाके की 4 युवतियों ने आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक कदम उठाते हुए गर्मी की छुट्टियों में एक समर कैंप का आयोजन किया है। शनिवार को इस समर कैंप का आयोजन कस्बे के श्री रामेश्वर लाल बालिका विद्यालय परिसर में समाजसेवी बाबूलाल शर्मा एवं विद्यालय के प्रबंधक अजय अग्रवाल की ओर से फीता काट कर किया गया है। नमस्कार, सलाम, आदाब। महिला उन्नति, महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर भारत, ये कुछ ऐसे नारे हैं जिनका जमीन पर क्रियान्वयन होना था, लेकिन कहीं ये नारों में सिमट कर तो कहीं शहर की चार दीवारों में सिमट कर रह रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की बात करें तो कतरनिया के जंगलों में महिलाओं की जो दशा है या जो आगे बढ़ने के अवसर हैं, वो किसी से छुपे नहीं है। ऐसे में इसी जंगल के करीब मिहीपुरवा कस्बे की कुछ महिलाओं ने गर्मी की छुट्टियों का उपयोग करके एक समर कैंप आयोजित किया निस्वार्थ भाव से, सिर्फ इसलिए कि उनके समाज के, उनके मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों का स्किल डेवलपमेंट किया जा सके। ये एक ऐसी पहल है जिनसे महिलाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए और आत्मनिर्भर बनने के लिए आगे के कदम बढ़ाना चाहिए। आइए हम बात करते हैं उन महिलाओं से। हमारे कैमरामैन आगे आए। आपका क्या नाम है? आपका? मैं सुमेधा अग्रवाल। आपके साथ कितने लोग हैं? हमारी टीम में 4 लोग हैं। आप भी हैं? आप दोनों लोग भी आ जाइए। पहला सवाल ये है, मिहीपुरवा कस्बे में इससे पहले इस तरह का कोई आयोजन नहीं हुआ था, आपको समर कैंप आयोजित करने का ये जो आपका ख्याल आया, कैसे ख्याल आया? ये हमारा ख्याल तब आया, पहले हम लोग भी यही सोच रहे थे कि हम अपनी स्किल्स कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर हमने देखा काफी सारे बच्चे समर वेकेशन में इधर उधर घूमते रहते हैं और अपनी खुल के एंजॉय नहीं कर पाते और ना ही कुछ सीख पाते, तो हम प्रोडक्टिव के साथ साथ बच्चों को फन पार्ट भी करा रहे हैं। ये समर कैंप आपका सिर्फ गर्मी की छुट्टियों के लिए चलेगा या इसका आप विस्तार करेंगे आगे गांव-गांव में भी लोगों को जागरूक करने का कोई कार्यक्रम आपके चलाएंगे? अभी ऐसा कुछ तो सोचा नहीं है, बट होपफुली आगे का कुछ सोचेंगे, बट अभी तो ये गर्मी के लिए ही छुट्टियों का है, अभी हमारा ड्यूरेशन 1 महीने का है। समर कैंप का पहला दिन आप देख सकते हैं, इधर देखिए, आप कैंसर ले जाइए, कितने गार्जियन यहाँ मौजूद हैं, यानी भरपूर समर्थन मिला। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस समर कैंप में जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं, ना किसी ने किसी से कोई फीस ली गई है, ना कोई शुल्क किसी ने किसी तरह का लिया गया है, और जो भी फीस ली गई है वो बस केवल मूलभूत आवश्यकताओं के लिए, जैसे लाइट है या साउंड सिस्टम है। कैंप का संचालन कर रही युवतियों में डाली मायश्री, सुमेधा अग्रवाल, मुस्कान अग्रवाल, निकिता अग्रवाल ने बताया कि हम सब लोग कॉलेज की छात्राएं हैं। गर्मी की छुट्टियों में आसपास पड़ोस के छोटे बच्चों में कला, संगीत, नृत्य, सुलेख आदि कौशल का विकास करने के लिए इस कैंप का आयोजन कर रहे हैं। इसमें बच्चों को सीखने के लिए काफ़ी अवसर प्राप्त होंगे। बच्चों के समय का सदुपयोग हो, इसलिए इस समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। समर कैंप के शुभारम्भ के अवसर पर अजय अग्रवाल, बाबूलाल शर्मा, नरेश अग्रवाल, संजय गोयल, विनोद माहेश्वरी, मनोज अग्रवाल, किरण अग्रवाल, सुधा अग्रवाल, विनीता माहेश्वरी, रंजना अग्रवाल, सत्यम अग्रवाल समेत काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।